नमस्कार दोस्तों, कृष्णा आईएएस में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक धर्म का अध्ययन, राइट। ये वैदिक धर्म वैदिक काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है और इसके अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वैदिक धर्म का विकास होता है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, उसमें हम लोगों ने चर्चा की है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन किस प्रकार से होता है। आर्यों का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग वैदिक रिलीजन पर बात करने जा रहे हैं, वैदिक धर्म पर बात करने जा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जब धर्म का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, यानी धर्म का अध्ययन अलग अलग विषय में अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता है। धर्म का अध्ययन फिलोसफी में भी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से धर्म के जो दार्शनिक पक्ष होते हैं, उन दार्शनिक पक्षों पर बल दिया जाता है। धर्म का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है, जहाँ धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं, अलग अलग थ्योरीज की बात करते हैं। धर्म का अध्ययन समाज विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं कि धर्म किस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है। तो अलग अलग विषयों में धर्म का अध्ययन होता है। इतिहास में जब हम धर्म का अध्ययन करने जाते हैं, तो हमें धर्म के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें धर्म की परिभाषा के संदर्भ में बहुत ज़्यादा उस पर बल नहीं देना है कि धर्म की परिभाषा क्या है, लेकिन जब धर्म का अध्ययन आप करेंगे तो धर्म की अध्ययन के अंतर्गत दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक तो धर्म का संबंध जो है पारलौकिक सत्ता से है, राइट। ये बात ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से पारलौकिक सत्ता के प्रति आस्था का विकास होता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वैदिक जो आर्य हैं, उनका पारलौकिक सत्ता के संदर्भ में क्या मान्यताएं रही है, किस तरह के विचार रहे हैं और किस तरह से वो विचार समय के परिप्रेक्ष्य में विकसित होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करें या किसी भी धर्म को समझने का प्रयास करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो फिर धर्म को एक सामाजिक विधान के रूप में भी आपको समझने की जरूरत होती है। तब जाकर के आप धर्म के जो महत्वपूर्ण आस्पेक्ट हैं, उस महत्वपूर्ण आस्पेक्ट को समझ पाते हैं। सामाजिक विधान का मतलब है सोशल रोल, रिलीजन एज ए सोशल रोल, राइट। तो दो आस्पेक्ट पर बात करेंगे और इसी के संदर्भ में हम वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें वैदिक धर्म जब हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान में ये रखना है आपको कि वैदिक धर्म के अंतर्गत हम दोनों की बात करेंगे। एक तो ऋग वैदिक काल की बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल में धर्म के संदर्भ में क्या मान्यताएं थी, क्या विचार था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, राइट। ये हमारे धर्म के संदर्भ में हमारे आस्पेक्ट हैं। जिन आस्पेक्टों को ध्यान में रखकर हमें वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, तो अगर पारलौकिक सत्ता के संदर्भ में अगर धर्म को अगर आप समझने का प्रयास करें, तो सिंपल हम बात करते हैं कि धर्म अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास
एवं कर्मकांड है। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, जब धर्म को आप समझने का प्रयास करते हैं, रिलीजन को समझने का प्रयास करते हैं। एक, रिलीजन अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था है, अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास है। और जब अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था या विश्वास की बात करते हैं, तो इसी धर्म के संदर्भ में जो दर्शन है, उस दर्शन के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पर्टिकुलर धर्म का फिलोसफी क्या है, या इस धर्म के अंतर्गत मूलभूत सिद्धांत क्या है। ये बात ध्यान में रखना है। और कर्म कांड के अंतर्गत अलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए व्यवहारिक रूप से मनुष्य कुछ क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को हम धर्म के कर्मकांड के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला, अगर आप ऋग्वैदिक के धर्म के बारे में बात करें, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में बात करें, ऋग्वैदिक धर्म, तो एक चीज ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल के धर्म का अध्ययन अगर हम करने जाते हैं, तो जो हमारे पास सोर्सेज है वो मूल रूप से ऋग्वेद है। और ऋग्वेद स्तुति पाठ है, मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद में, इसीलिए उसको मंत्रों के संग्रह के रूप में या स्तुति पाठ के रूप में ही देखा जाता है। और चूंकि ऋग्वेद मौखिक परंपराओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुआ, इसलिए ऋग्वेद को श्रुति भी कहा जाता है, सुनकर याद रखना और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका स्थानांतरण। अब ध्यान ये रखना है कि जब ऋग्वेद का अध्ययन हम करते हैं, तो पूरे ऋग्वेद की चर्चा हमने आपको बताया था इसके पहले की जो क्लास है उसमें, कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे और उस 10 से मंडल के अंतर्गत 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, और पहला और 8वां, 9वां और 10वां सबसे बाद का है। तो उसमें धर्म का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है ऋग्वेद में, उससे धर्म के दर्शन के संदर्भ में जो हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद में, उसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है इसके दर्शन के संदर्भ में, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जब धर्म का अध्ययन करें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से धर्म का अध्ययन करें, तो धर्म को अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड के रूप में देखें, और दूसरा धर्म को सोशल रूल के रूप में देखें, सामाजिक विधान के रूप में देखें। तो अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड के रूप में जब ऋग्वैदिक के काल के धर्म को देखते हैं, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है, तो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक जो धर्म है उसमें नेचुरलिज्म, प्रकृति पूजा, दूसरा इसमें पॉलीथिज्म, बहुदेवाद, तीसरा इसमें एनिमिज्म, आत्मावाद या जीववाद, चौथा इसमें टोटेमिज्म, नेक्स्ट इसमें हेनोथिज्म, नेक्स्ट इसमें मोनोथिज्म,
एंड नेक्स्ट इसमें पैंथिज्म इत्यादि की अवधारणा मिलती है। यानी जब आप ऋग्वैदिक काल के धर्म के स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं, ऋग्वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंतर्गत मैंने कहा कि ऋग्वैदिक के काल जो कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में भारत में जिस संस्कृति का विकास होता है, उस संस्कृति के अंतर्गत धर्म का जो स्वरूप है, जो रिलीजन का स्वरूप है, वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। और मल्टी डायमेंशनल है तो पहले तो उसके फिलॉसफी के अंतर्गत हमें समझना पड़ेगा कि ये इस तरह से क्यों डेवलप होते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जब आप होल संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन है वो घुमंतु पशुपालक जीवन व्यतीत करते थे, और वो ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। उसके पहले भारत में एक गैर आर्यन कल्चर ऑलरेडी विद्यमान था, एक संस्कृति भारत की मूल निवासियों की संस्कृति विद्यमान था। तो जब ऋग्वैदिक आर्य आते हैं तो ऋग्वेद में भी आर्य एवं गैर आर्य परंपराओं के बीच समन्वय दिखाई देती है। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है उसमें कुछ गैर आर्य परंपरा भी उसमें समाहित होती है, दोनों की आपस में समन्वय होती है, और उस समन्वय के फलस्वरूप ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप का विकास होता है। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे। और दूसरा कि जब आप कर्मकांड की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक आर्य के अंतर्गत आर्यों के जो धर्म है उसके कर्मकांड के अंतर्गत एक तो स्तुति पाठ है, राइट, दूसरा है यज्ञ, तीसरा बलि, चौथा आहुति। ये बात ध्यान में रखना है जब आप ऋग्वैदिक काल के धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। पहले इन चीज़ों को हम समझें और इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, और तब जाकर के रियल सेंस में हम आर्यों की जो संस्कृति है, आर्यों की जो धार्मिक जीवन है, उसके विकास को हम समझ पाएंगे। अन्यथा हमें पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं लेकिन वास्तव में जो धार्मिक जीवन का विकास है, और बाद में आप देखेंगे कि आमतौर पर भारत में लोग हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, क्योंकि हिंदू संप्रदाय के लोग बहुसंख्यक संप्रदाय हैं के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू धर्म के बारे में आप कुछ बताइए, तो अधिकांश लोग हिंदू धर्म को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यह इसका क्रमिक विकास हो रहा है, जिसे सनातन परंपरा भी हम कहते हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे। पहले एक एक करके हम विभिन्न कालों में जो धार्मिक स्वरूप पे डेवलप हुआ है भारत में उसको समझने का प्रयास करें, और फिर प्राचीन भारत के अंत पर हम एक चर्चा करेंगे कि हिंदू धर्म का विकास कैसे हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म का विकास जो है सतत प्रक्रिया है, और उस सतत प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक कालखंड में कुछ नए नए तत्व हिंदू धर्म के अंतर्गत समाहित भी हुए हैं। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि ये लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजा करते थे, राइट, क्योंकि इनका जीवन प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, पशुपालन का जीवन इनका था, और इस कारण से इनके जीवन में प्रकृति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इन लोगों ने प्राकृतिक जो शक्ति है, जो प्रकृति है या प्राकृतिक शक्ति जिसको आप कहें,
इन प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोपण किया था, देवत्व का आरोपण, और फिर उसका मानवीकरण किया, और उसका मानवीकरण करके इन्होंने उसे देवता के रूप में आराधना करने का प्रयास किया। और इसीलिए ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो इनका धर्म है वो धर्म प्रकृतिवाद में विश्वास रखता है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत देवताओं को आप देखेंगे तो देवता के रूप में पृथ्वी की चर्चा है, पृथ्वी एक प्राकृतिक वस्तु है। सोम की चर्चा है, सोम वनस्पति का देवता है, वो भी प्रकृति का अंग है। अग्नि इनकी महत्वपूर्ण देवता है, वो भी प्रकृति का पार्ट है। इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं, वो भी प्रकृति का पार्ट है। वरुण जिसको प्रकृति की व्यवस्था का नियामक कहा जाता है, उसकी चर्चा समुद्र के देवता के रूप में भी है, और उसका उल्लेख है कि वह ऋत का धारक है, यानी प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है। सूर्य की चर्चा है, सविता की चर्चा है, विष्णु की चर्चा भी सूर्य देव के रूप में ही है, उसके पाठ के रूप में ही है। मित्र की चर्चा है, उषा की चर्चा है। तो अधिकांश देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतिरूप हैं। प्राकृतिक शक्तियों में उन्होंने मानवीकरण किया और फिर वो उसकी आराधना करने लगे, और इसी से ऋग्वैदिक काल में धर्म का विकास होता है। दूसरा, चूंकि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो कई हैं, जैसे अगर ये अग्नि की पूजा करते हैं, वर्षा की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, आंधी तूफान की पूजा करते हैं, तो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो विविध हैं। और इसलिए ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है उनके धर्म के स्वरूप के अंतर्गत पॉलीथिज्म यानी बहुदेवाद का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। वे एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं, इनका धर्म बहुदेवाद में विश्वास करता है। और आप देखोगे कि हिंदू धर्म भी बहुदेवादी धर्म है, और इसलिए जब इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों में मानवीकरण किया तो इनके धर्म के अंतर्गत विविध देवताओं की चर्चा है। 33 करोड़ देवताओं की चर्चा है। ऋग्वेद में हमें पाते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, 33 कोटि देवता का उल्लेख है। और ये जो 33 करोड़ देवता हैं, इन 33 करोड़ देवताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। और इस पे आपका क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि एक तो है पृथ्वी स्थानीय, है ना, टेरेस्ट्रियल गॉड, यानी जो भूमि का देवता है, भूमि से संबंधित देवता है। इस टेरेस्ट्रियल गॉड में एक तो पृथ्वी का उल्लेख है, दूसरा सोम का भी उल्लेख है, सोम वनस्पतियों का देवता है, और भी कई हैं, लेकिन आपको याद रखना है कुछ इम्पॉर्टेंट देवताओं के जो कि पृथ्वी स्थानीय देवता के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि भी बहुत महत्वपूर्ण देवता है, आगे हम बात करेंगे। दूसरा इन्होंने अपने देव मंडली को अंतरिक्ष स्थानीय या मध्यम स्थानीय या इंटरमीडिएटरी के रूप में उल्लेख है ऋग्वेद में। और इसके अंतर्गत हमारे पास देवता हैं, इंद्र हैं, और मरुत हैं, पर्जन्य हैं, और स्वर्ग स्थानीय इसमें वरुण, मित्र, सूर्य,
सविता इत्यादि। तो एक चीज क्लियर है कि ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वे बहुदेवादी हैं, और ऋग्वैदिक आर्यों का जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसके अंतर्गत एनिमिज्म यानी जीववाद का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसमें देवत्व की बात करते हैं और देवत्व के आरोपण की बात उसमें करते हैं, उसमें दैवीय शक्ति की बात करते हैं, जो कि प्रिमिटिव एनिमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या जो पूर्वज पूजा की जो कॉन्सेप्ट है उससे इनका रिलेशन है, और इसलिए हम इसमें एनिमिज्म की बात करते हैं। कुछ का आराधना ये टोटेम के रूप में भी करते हैं, टोटेमिज्म के रूप में भी करते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है वो जनजातीय धर्म के कुछ स्वरूप को दिखाई देता है, जिसमें टोटेम के रूप में भी ये अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ आपको टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है। इसके अलावा हिनोथिज्म, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसको हिंदी में एकैक देवाद कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप ऋग्वैदिक काल के धर्म को समझते हैं, ये हिंदू धर्म में भी बाद के समय में दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जब देवताओं की स्तुति पाठ की जाती है, तो सामान्यतः देखा गया है कि स्तुति पाठ के अंतर्गत किसी एक देवता की जब चर्चा है तो उसको उस समय सर्वोच्च देवता के रूप में उसका स्तुति किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है। दूसरे समय किसी दूसरे देवता को सर्वोच्च देव के रूप में आराधना की जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हेनोथिज्म कहते हैं, जिसका हिंदी में एकैक देवाद कहते हैं, यानी कि जब कभी भी किसी देवता की पूजा करें उस देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा करने की परंपरा ऋग्वैदिक काल में दिखाई देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि जब कोई हिंदू राम के मंदिर में जाता है तो उसके दिल में रहता है कि राम सबसे सर्वोच्च देवता है, और उसके बाद अगर वो शिव मंदिर में चला गया तो उसके मन में होता है कि शिव सबसे सर्वोच्च देवता है। और चर्चा भी है, जैसे आप पौराणिक धर्म में भी अगर आप देखोगे पुराणों में, तो पुराणों में भी अलग अलग समय में अलग अलग देवताओं को सर्वोच्च देवता के रूप में उनकी आराधना की गई है। ये हेनोथिज्म का कॉन्सेप्ट जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है, अंतिम जो ऋग्वेद की अवस्था है, उस अंतिम अवस्था के अंतर्गत पुरुष सूक्त में कुछ ऐसी हमें संकेत मिलते हैं कि एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट भी ऋग्वैदिक काल में डेवलप होता है, मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्योंकि पुरुष सूक्त के मंत्रों में उल्लेख आया है कि ये सभी देवता जिसकी चर्चा हमने ऊपर में किया, ये सभी देवता एक ही शक्ति से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं, यानी एक ही सर्वोच्च शक्ति के पाठ हैं, जिससे ऋग्वेद में हमें एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। और ये एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट सार्वभौमिक रूप से जब भी ये हम इसको स्वीकार करते हैं, जो कि लास्ट फेज में दिखाई भी देता है, तो हम उसको पैंथिज्म यानी सर्वेश्वरवाद कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद में आपको एकेश्वरवाद भी मिलता है और सर्वेश्वरवाद भी मिलता है, राइट? तो एक तो आपको यहां ध्यान में ये रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंतर्गत समझनी है कि ऋग्वैदिक आर्य जो ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आराधना के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए ईश्वर की पूजा करते हैं,
किस लिए ईश्वर की आराधना करते हैं? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि ऋग वेद में जो स्तुति पाठ है उसमें ईश्वर की आराधना वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए की गई है, रथ को प्राप्त करने के लिए की गई है, घोड़ों को प्राप्त करने के लिए की गई है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो है पारलौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि ऋग वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ऋग वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं है, और इसलिए ऋग्वैदिक आर्य को कहते हैं कि इनका धर्म प्रवृत्ति मार्गी है। इनका धर्म क्या है? प्रवृत्ति मार्गी है, यानी ये लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, और परलौकिक जीवन का जो कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई देता है, और इसलिए इनके धर्म को भौतिकवादी भी कहते हैं। भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए इससे ऋग्वैदिक के धर्म के अंतर्गत ऋग्वैदिक जो आर्य हैं ईश्वर की आराधना अपने लौकिक और भौतिक जीवन को बेहतर करने के लिए करते हैं। लेकिन ऋग वेद में स्वर्ग की अवधारणा है और पाप एवं पुण्य की भी अवधारणा है, राइट? तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट के रूप में, जब ऋग्वैदिक धर्म को आप समझने का प्रयास करते हैं तो कॉन्सेप्ट के रूप में इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, खास करके उसके दर्शन के संदर्भ में, उसके फिलॉसफी के संदर्भ में। इसके अलावा जब भी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, पीटी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और आपका उद्देश्य अगर पीटी के प्रश्नों को हल करना है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा स्तरीय क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ देवताओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इंद्र को एक बहुत ही सर्वोच्च देव के रूप में इंद्र की परिकल्पना की गई है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, राइट? इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा गया है, क्योंकि इंद्र जो है आर्यों के पक्ष से युद्ध करता है और आर्यों के दुश्मनों को मारता भी है, और इसलिए उसे इंद्र को युद्ध का देवता के रूप में भी उसकी चर्चा है। इंद्र का जो उल्लेख है वह वर्षा के देवता के रूप में भी है, इंद्र वर्षा का देवता भी है, और इंद्र को विघ्न भी कहा गया कि वृत्त का हत्या करता है, वृत्त नामक राक्षस जो है उसकी हत्या करता है। इसलिए इंद्र का जो वहाँ पर उल्लेख है ऋग्वेद में वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इन कॉन्सेप्ट को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इंद्र की बात अग्नि, अग्नि को कहा गया कि घर का देवता है, यानी घर में लगातार अग्नि को जला के रखना चाहिए। दूसरा, अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ के रूप में भी ऋग्वेद में स्वीकार किया गया है, क्योंकि अग्नि में जो आहुति देते हैं वो आहुति देवता के पास पहुंचता है। इस दृष्टिकोण से भी अग्नि का बड़ा महत्व है, और अग्नि को विवाह का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि के समक्ष ही विवाह कार्य संपन्न होते हैं। इस दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है अग्नि का रोल। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता है जिसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं वरुण, राइट? और वरुण को रीत का धारक बताया गया है, रीत का धारक, और रीत की व्याख्या प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में की गई है, राइट? यानी जो प्राकृतिक सिस्टम है उस प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक जो है वो वरुण है, उसका रेगुलेटर है, और इसलिए वरुण को देवताओं का देवता के रूप में भी वरुण का उल्लेख है।
यानी कि वरुण ने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सभी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, और अगर देवता भी गलती करते हैं तो वरुण के पास यह शक्ति है कि देवताओं को भी वो दंडित कर सकता है। इस अर्थ में वरुण का जो स्थिति है वो बड़ा ही सर्वोच्च है। वरुण एक नैतिकता का देवता भी है, क्योंकि मोरालिटी जो है वो न केवल खुद फॉलो करता है बल्कि अदर देवताओं से भी वो नैतिकता को फॉलो कराने का काम करता है। और उसी समुद्र का देवता भी, जल का देवता भी वरुण को कहा जाता है। इसलिए पूरी ऋग्वैदिक के जो धार्मिक के जो देवताओं का जो देव मंडली है उस देव मंडली में वरुण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख है। मित्र को प्रकाश, एक तरह से सूरज का उपाट है मित्र, और मित्र जो है वरुण के साथ दिखाई देता है। इसके अलावा सूरज को ऋग्वैदिक के देव मंडल के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूरज की उपासना भी ऋग्वेद में हमें मिलती है, और स्वर्ग के अधिपति के रूप में सूरज की चर्चा है, और सूर्य से रिलेटेड और भी कई देवता या देवियों की चर्चा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है सविता। सविता जो है इसका महत्व ये है कि गायत्री मंत्र जो है ये सविता को समर्पित है, और सविता को देवताओं का चक्षु यानी आंख कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंतर्गत विष्णु की चर्चा तो ऋग्वेद में है, लेकिन विष्णु कोई प्रमुख देवता नहीं है, एक गौण देवता है, और उनको सूर्य के अंग के रूप में ही विष्णु की चर्चा है। लेकिन एक जगह विष्णु का उल्लेख है कि विष्णु ने जो देवासुर संग्राम है उस संग्राम में, यानी आर्यों अनार्यों के बीच जो युद्ध है, उसमें अनार्यों से 3 पग में पूरी धरती, आकाश और स्वर्ग को माप लिया था। इसकी विष्णु का उल्लेख बौना देवता के रूप में भी है। रुद्र जो है पशुओं का देवता है, राइट, पशुओं की रक्षा करता है। पशु अगर रास्ते भटक गए तो उससे भटके हुए रास्ते को दिखाने का काम रुद्र करता है। इसके अलावा मरुत आंधी तूफान का देवता है, यम मृत्यु का देवता है, उषा भोर की देवी है, अरणी जंगल की देवी है, और अदिति देवताओं की माता है, दीति राक्षसों की माता है, धौस की भी चर्चा है ऋग्वेद में। तो इस तरह से ऋग्वेद में की जो देव मंडली है उस देव मंडली में बहुत देवता हैं जिनकी चर्चा है, लेकिन कुछ प्रमुख देवताओं के नाम को और वो किस चीज के देवता है आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको कुछ प्रमुख देवताओं को याद रखना होगा, राइट। तो एक तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमने इन सारी चीजों को देखा। इसके बाद जो कर्मकांड का पहलू है ऋग्वेद के अंतर्गत, तो एक चीज ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो कर्मकांड है ये एक तरह से सरल है। ये कर्मकांड बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत ही सरल है, क्योंकि एक तरह से ऋग्वेद स्तुति पाठ ही है। तो इन ईश्वर को, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसके लिए स्तुति जो दिया गया है उस स्तुति का पाठ करते हैं, और पाठ करके ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करके अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास ऋग्वैदिक आर्ज करते हैं। दूसरा जो कर्मकांड है इसके अंतर्गत यज्ञ की भी चर्चा है, यानी यज्ञ को ऋग्वेद में भी स्थान है, लेकिन यज्ञ अभी उतना ज्यादा क्लिष्ट नहीं हुआ है, बहुत सिंपल यज्ञ है, जहां व्यक्तिगत यज्ञ भी करते हैं और सार्वजनिक यज्ञ भी करते हैं, जिसका और अधिक विकास जो है उत्तर वैदिक काल में होता है। लेकिन यहाँ यज्ञ भी बड़ा ही सिंपल है, जिसमें यज्ञ में हम क्या देते हैं कि एक तो बलि, बलि यानी पशुओं की बलि का भी प्रचलन है, लेकिन बलि
ऋग वैदिक काल के जो धार्मिक जीवन है उसमें बलि का स्थान बहुत प्रमुख नहीं है। बलि की जगह ये आहुति देते हैं यज्ञ में, और आहुति में जनरली यौ या साग का उपयोग करते हैं। आज भी जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें यौ का प्रयोग किया जाता है, और बलि में घोड़े की बलि और गाय की बलि का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में कुछ मंत्रों में अतिथि को गोहंता भी कहा गया है, गोहन कहा गया है, तो उससे ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि अतिथि को कोई विशेष अवसर पर जो है गाय का मांस भी खिलाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोहंता कहा गया है। संभवतः यज्ञ में गाय की बलि दी जाती थी, घोड़े की बलि दी जाती थी, और फिर प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांड थे वो बहुत सिंपल थे, और धार्मिक कर्मकांड चूंकि इतने सिंपल थे कि उस समय बलि बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं ग्रहण किया था, तो इनके जो कर्मकांड है वो सरल हैं, दर्शन इनकी विकसित है। तीसरा जो बात मैंने कहा कि धर्म जब पढ़ें तो धर्म को एक सामाजिक विधान के रूप में भी देखना है। तो जब धर्म को आप सामाजिक विधान के रूप में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल का जो धर्म है, चूंकि अभी समाज का जो विकास था ये एक बैंड सोसाइटी बृंद समाज था, और वो बृंद समाज जनजातीय समाज में रूपांतरित हो रहा था, तो बृंद और जनजातीय समाज में क्या होता है कि सोशल रूल रिजिड नहीं होते हैं, बहुत कठोर नहीं होते हैं, और इसलिए ऋग्वैदिक धर्म जो है का सामाजिक रूल के संदर्भ में यहाँ इसका उल्लेख तो हो रहा, लेकिन समाज को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्था के विकास का हमें प्रमाण मिलता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है ये पुरुष सूक्त में दिखाई देता है ना, दशम मंडल में। तो लेकिन अभी भी वर्ण जो है, वर्ण के नियम जो हैं वो कर्म आधारित हैं, जन्म आधारित नहीं है, और वर्ण के साथ धर्म का अभी जो संबंध है वो बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए सामाजिक विधान ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ सामाजिक विधान बहुत कम विकसित है, और इस तरह से ऋग्वैदिक काल के जो धर्म जो है उसको आप समझ सकते हैं। ऋग्वैदिक के धर्म की बात हम लोग उत्तर वैदिक काल में धर्म के स्वरूप को देखेंगे, और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो वैदिक धर्म है उसमें उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो कुछ चीज़ें ऋग्वैदिक काल की, कुछ जो तत्व हैं ये निरंतरता को अभिव्यक्त करते हैं, यानी इसकी कंटिन्यूटी हमें उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देती है। जो कंटिन्यूटी दिखाई देगी उसमें पहला प्रकृतिवाद या प्रकृति पूजा, दूसरा बहुदेवाद, तीसरा जीववाद, चौथा टोटमवाद, फिर एकैकवाद जिसकी चर्चा हमने ऋग्वेद में की है, फिर एकेश्वरवाद, और फिर सर्वेश्वरवाद, और फिर प्रवृत्ति मार्ग, राइट। ये जो धर्म के तत्व हैं, जो धर्म के दर्शन के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें उत्तर वैदिक काल में भी अपनी निरंतरता को अभिव्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इससे परिवर्तन में जो हमें मेन चीज़ देखते हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो परिवर्तन में पहला
देवताओं की स्थिति में परिवर्तन, देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि यहाँ मोक्ष की अवधारणा का विकास हो जाता है, राइट? और चूंकि मोक्ष की अवधारणा का जब विकास हो गया तो इसके साथ ही साथ धर्म के अंतर्गत निवृत्ति मार्ग का डेवलपमेंट होगा, और निवृत्ति मार्ग का जो डेवलपमेंट होगा उसके अंतर्गत आप देख लेंगे कि संन्यासवाद का डेवलपमेंट भी उत्तर वैदिक कालीन धर्म के अंतर्गत होगा, और इसके साथ कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा, राइट? और इसके साथ उपनिषद में यज्ञ की आलोचना भी है, एक तो यहां पर। दूसरा परिवर्तन कर्मकांड के क्षेत्र में होगा, और कर्मकांड जटिल होंगे जिस पे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा सामाजिक विधान के रूप में, यानी धर्म को अगर हम सामाजिक विधान के रूप में लेते हैं तो यहाँ वर्ण धर्म का कॉन्सेप्ट आता है, यानी वर्ण जो व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अब वर्ण का संबंध धर्म से हो जाता है, और धर्म सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक बिहेवियर को गाइड करने लगता है, नियंत्रित करने लगता है। और इसलिए जब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आप धर्म को पढ़ते हैं तो धर्म समाज के साथ संबद्ध हो जाता है। बाद में आप देखोगे कि हिंदू धर्म को अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आमतौर पर लोग जब हिंदू धर्म की बात करते हैं और उससे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको कोरिलेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे। यहाँ वर्ण धर्म के अंतर्गत आप देखोगे कि वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म एवं पुनर्जन्म, ऋण की अवधारणा, ये आपको हिंदू धर्म के विकास के क्रम में भी आप इसको समझेंगे कि कैसे धर्म का विकास हो रहा, और ये इसकी अवधारणा उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में आती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक जो काल का जो धार्मिक जीवन है उसमें हम संस्कार की बात करते हैं जो बाद में षोडश संस्कार के रूप में विकसित होता है। इसलिए उत्तर वैदिक काल के अगर धर्म को समझना है तो एक तो इसकी निरंतरता है, दूसरा आरण्यक के जो ग्रंथ हैं इसमें संन्यास की अवधारणा, और उपनिषद में जो दर्शन है उस दर्शन को समझ करके आप उत्तर वैदिक काल के धर्म को समझ सकते हैं। तो एक चीज ध्यान ये रखना कि ये जो तत्व यहाँ पर मैंने बात की है जो कि ऋग्वैदिक काल में है, इसकी निरंतरता उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। लेकिन जो परिवर्तन होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने कहा कि देवताओं की स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक जो देव मंडली है उस ऋग्वैदिक के देव मंडली के अंतर्गत इंद्र, अग्नि और वरुण ये तीन महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य देवता है, जो प्रमुखता प्राप्त होती है वो प्रजापति, राइट, विष्णु और रुद्र।
राइट, प्रजापति, यहां कॉन्सेप्ट आता है प्रजापति का। और प्रजापति को सृष्टि की रचयिता के रूप में प्रजापति का उल्लेख होता है, सृष्टि की रचयिता के रूप में। और इसलिए प्रजापति यहां पर सबसे मुख्य देवता के रूप में स्थापित होते हैं। और इस सृष्टि पर जो कुछ भी है उसकी रचना प्रजापति ने की है। ये कॉन्सेप्ट हमें उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथ में मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, विष्णु, विष्णु के बारे में हमने चर्चा की थी कि ऋग्वैदिक के जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें विष्णु का चर्चा तो है लेकिन एक गौण देवता के रूप में है, एक वामन देव के रूप में विष्णु का उल्लेख है। जिन्होंने तीन पग में धरती, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों की माप कर ली थी, लेकिन विष्णु यहाँ पर आकर के एक प्रमुख देवता के रूप में यहाँ स्थापित होते हैं और ये पालनकर्ता के रूप में। ये प्रजापति रचनाकर्ता, सृष्टि की रचनाकर्ता है, राइट, और विष्णु पालनकर्ता के रूप में स्थापित होते हैं। और रुद्र, जिसकी चर्चा हमने किया कि पशुओं का देवता है, भटके हुए पशुओं को खोजने का काम रुद्र करता है, ये रुद्र जो है आकर के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं और ये संहारकर्ता के रूप में। आप देखोगे कि गुप्ता पीरियड में जाकर के ये प्रजापति, विष्णु और रुद्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में, त्रिदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो एक तो कि देव मंडली जो है उस देव मंडली में परिवर्तन होता है, अब इंद्र प्रमुख देवता नहीं रह जाते हैं। हालांकि अग्नि का अभी भी महत्व है क्योंकि यज्ञ में अग्नि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कुल मिला के आप देखोगे कि देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है ऋग्वैदिक काल में के बाद उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे अब धीरे धीरे गौण हो रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में एक नए देवमंडली के अंतर्गत देवताओं की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिस पर ध्यान देना है, मोक्ष की अवधारणा का विकास। यानी ऋग्वैदिक काल में हमने कहा कि मोक्ष की अवधारणा ही नहीं थी, यानी ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की पूजा करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की आराधना अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे। उत्तर वैदिक काल के आर्य ईश्वर की आराधना लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष के लिए भी कर रहे हैं। ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में आता है। और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जब पुरुषार्थ को आप देखेंगे तो पुरुषार्थ में चार चीजों की चर्चा है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के अंतर्गत मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा गया है। और ये मुख्य उद्देश्य है जीवन का, यानी आज जो है, आज लोग जो हैं उनके जीवन का अब जो उद्देश्य है केवल लौकिक जीवन को बेहतर बनाना नहीं है, उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। और मोक्ष के जो साधन हैं, इस साधन की चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में मिलती है। तो इसमें एक यज्ञ का भी उल्लेख है कि यज्ञ से भी मोक्ष मिल सकता है। आरण्यक में तप की चर्चा है, यानी संन्यास की चर्चा है, और तप से भी मोक्ष मिल सकती है। और उपनिषद में मोक्ष के संदर्भ में ज्ञान मार्ग,
भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये तीनों की अवधारणा है कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से जो भारत में जो धर्म है उस धर्म के अंतर्गत मोक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। इस जीवन से मुक्ति और इस मोक्ष का जो संबंध स्थापित किया गया उपनिषद में, आप देखें कि मोक्ष की परिकल्पना बहुत व्यापक है, क्योंकि मोक्ष के साथ साथ अब आत्मा एवं परमात्मा के बीच का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीच के जो संबंध है, उसके संबंध में उपनिषद में एक तो यह भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि आत्मा एवं परमात्मा दोनों एक है, जिसके माध्यम से बाद में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया कि जब आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाता है, यह मोक्ष की स्थिति है और तब व्यक्ति को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होता है आत्मा एवं परमात्मा के बीच एकीकरण का, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास उपनिषद में आता है। कहने का मतलब है कि ये जो अवधारणा आपका है, इस अवधारणा में कुछ चीजें ऐड होती है जो कि भारतीय दर्शन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। आध्यात्मिक जो विचारधारा भारत में उपनिषद में डेवलप हुआ, उसने भारत के आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया और उपनिषद ही भारतीय दर्शन का आधार तैयार करता है, जिसमें आप देखेंगे कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग की अवधारणा के माध्यम से मोक्ष के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की, रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग की बात की और बाल गंगाधर तिलक ने आधुनिक काल में उपनिषद में जो कर्म मार्ग की अवधारणा है उस पर बल दिया। तो इस तरह से उपनिषद के इस दर्शन को आप समझेंगे और खास करके ये ऋग्वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डेवलप होती है, जिसके अंतर्गत आपको प्रवृत्ति मार्ग तो है ही, साथ ही साथ निवृत्ति मार्ग भी है। और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म के अंतर्गत ये चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कर्म कांड जटिल हो गया है ना, तो उत्तर वैदिक काल के जो धार्मिक विकास होते हैं, जो धार्मिक के विकास की प्रक्रिया को आप देखते हैं, तो सर्वप्रथम जो मोक्ष की कॉन्सेप्ट आई, इसमें जग की अवधारणा पर बल दिया गया और जग की अवधारणा पर बल देने से जो जग एवं कर्म कांड है वो और जटिल हो जाते हैं। और ये जटिल यज्ञ जो है, इसमें जो कर्म कांड है, ये बहुत जटिल हो जाए। और जग के अंतर्गत एक तो व्यक्तिगत जग और दूसरा सार्वजनिक जग। व्यक्तिगत जग में पंच महाजग की अवधारणा आती है, यानी प्रत्येक के वैदिक जो आर्ज है उसे व्यक्तिगत रूप से पंच महाजग का आयोजन करना चाहिए, जिसमें ऋषि जग की बात है, देव जग की बात ही है, और फिर अतिथि जग की बात है, पितृ जग की बात है और भूत जग की बात है। तो ये पांच महत्वपूर्ण जग तो हर किसी को वैदिक आर्ज व्यक्ति को करना है। और इसके अलावा सार्वजनिक जग जो है, इसमें राजसु जग, वाजपेय जग और अश्वमेघ जग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो जब ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो ऋग्वैदिक के काल का जिसे राजा आप कहते हैं, एक तरह से वो चीफ है, चिपडम का स्थिति है,
वो अपने कबीले का नेता है और वह जन प्रशासन करता है, क्षेत्र प्रशासन नहीं करता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये आता है कि राजा जनपद प्रशासन करता है। तो उत्तर वैदिक काल में चूंकि राजा अब क्षेत्र प्रशासन करने लगता है तो राजा की स्थिति मजबूत होती है, और राजा की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके राज्याभिषेक के अवसर पर यहां राजसु यज्ञ, यानी राजसु यज्ञ के माध्यम से राज पद में दैवीय तत्वों का समावेश होता है। और इसलिए राजसु यज्ञ जो है को बहुत विस्तृत रूप में मनाया जाता है, जहां ब्राह्मण जो है राजा को उसका अभिषेक करता है। और इस राजसु यज्ञ के अवसर पर रत्न हविंसी संस्कार भी होता है, रत्न हविंसी संस्कार, जहां राजा जो है रत्नियों के घर जाकर के उनका सामाजिक सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत एक अभिषिक्त घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और कॉन्सेप्ट यह है कि जिन जिन क्षेत्रों में वो घोड़ा जाएगा उन क्षेत्रों पर उस राजा के अधिकार को मान्यता दी जाती है। और बाद में अश्वमेध यज्ञ के समाप्ति के अवसर पर उस घोड़े की बलि दी जाती है, और उस घोड़े के साथ महिषी जो है सोने का काम भी करती है, जहां इससे उर्वरता के विकास का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। तो कुल मिला के यहां पर जो यज्ञ है वो यज्ञ काफी जटिल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि ये यज्ञ जटिल जब हो रहे हैं तो इस यज्ञ के माध्यम से संसाधनों का वितरण का भी प्रयास है, और संसाधनों के वितरण का जो प्रयास है उसमें ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च स्थिति में रखने का प्रयास करता है। तो एक तरह से यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा संसाधनों पर अपनी अधिकार को सर्वोच्च मान्यता देने के कारण ब्रह्म क्षत्रिय संघर्ष भी यहां प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या वो संघर्ष होता है। और यहीं से यज्ञ के विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया भी होती है। उस प्रतिक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि सबसे पहले आरण्यक, यानी आरण्यक ग्रंथों में प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जहां पर संन्यास की अवधारणा है और जहां रसवद का डेवलपमेंट होता है, जहां तप्य को मोक्ष का एक प्रमुख साधन के रूप में डेवलप किया गया है। और तैतरीय संहिता में, तैतरीय उपनिषद में ये बताया भी गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तप सर्वोच्च है, और फिर उसकी प्रतिक्रिया आपको उपनिषद में होती है, जहां पर यज्ञ के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, जहां कहा जाता है कि यज्ञ फूटी नौका के समान है जिसके माध्यम से भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। तब उपनिषद के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप होता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा क्या है, और कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है इसका विकास होता है, और उसके अंतर्गत भक्ति, ज्ञान और कर्मा की अवधारणा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया जाता है। तो एक तरह से उपनिषद जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उपनिषद में दिखाई देती है। और ये ऋग्वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जब आप प्रवेश करते हैं तो इसके धर्म के अंतर्गत ये जो विकास है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाद के दिनों में जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभी यहां ध्यान ये रखना है कि एक और चीज जो मैंने पहले ही कहा कि जब भी वैदिक धर्म आप पढ़ते हैं तो वैदिक धर्म के अंतर्गत ध्यान रखना है कि सामाजिक विधान को भी आपको समझना है, क्योंकि धर्म और वर्ण, धर्म एवं कर्म ये आपस में समन्वित हो जाते, आपस में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। तो कर्म की जो अवधारणा यहां है तो यहां वर्ण व्यवस्था, हमने कहा कि वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आकर वह जन्म आधारित हो रहा, और जन्म आधारित हो रहा तो वर्ण के साथ धर्म भी जुड़ जा रहा, यानी ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है
तो ब्राह्मण अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने कर्तव्यों का अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। क्षत्रिय को अपने वर्ण के नियम का कर्म करना है, वैश्य को अपने वर्ण के नियम का कर्म करना है और शूद्र को अपने वर्ण के नियम का कर्म करना है अगर वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो। इसलिए यहां से धर्म समाज को भी कंट्रोल करता है। फिर जीवन का जो उद्देश्य बताया गया पुरुषार्थ में, या फिर यहां से एक आश्रम व्यवस्था का डेवलपमेंट होता है, ये आश्रम व्यवस्था भी एक तरह से सामाजिक व्यवहार को कंट्रोल करता है, सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में तीन ही आश्रम का विकास पूर्ण रूपेण हुआ है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक काल के बाद धर्मसूत्र का जो काल है, जो 500 से 200 बीसी के बीच है, उन धर्मसूत्रों में संन्यास आश्रम का वर्णन पूरी तरह से विकसित रूप में होती है। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है इसके अंतर्गत केवल द्विज को ही आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के लिए आश्रम व्यवस्था है, जहां पर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत वो ज्ञान प्राप्त करेगा, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत वह विवाह करके और अपने सामाजिक के दायित्वों का निर्वहन करेगा, संतान उत्पन्न करेगा, उसके रिलेटेड वहाँ कर्मकांड भी हैं, और वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत वो अपने समाज से बाहर जाकर जंगल में निवास करके और जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो ज्ञान अपने समाज के विकास में लगाएगा। तो यहाँ एक तरह से ये समाज को भी नियंत्रित कर रहा है। और इसलिए जब धर्म को आप समझने का प्रयास करें तो आपको इसको भी जानना है। इसके अलावा जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो पुरुषार्थ में चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। पहला धर्म, तो धर्म एक तरह से सामाजिक विधान के रूप में है, यानी जो आर्यों की सामाजिक व्यवस्था है उसमें जिसके लिए भी जो निर्धारित किया गया है उसका उन्हें अनुपालन करना है। अर्थ यानी अर्थोपार्जन से संबंधित है। उस अर्थोपार्जन में कहा गया है कि व्यक्ति को चूंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थोपार्जन करना चाहिए, लेकिन अर्थोपार्जन धर्म के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। और तीसरा, काम का मतलब है इंद्रिय सुख की प्राप्ति और उसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति। यहां ध्यान ये रखना है कि संतान उत्पत्ति करना, पुत्र को उत्पन्न करना, ये आपका धार्मिक उत्तरदायित्व भी है और सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसे पुत्र नहीं पैदा किया, जिसने पुत्र को पैदा नहीं किया, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है, उसका पुनर्जन्म होगा। और फिर मोक्ष की अवधारणा, जहां पर जब आप इन चीजों को अगर सही तरीके से आप करेंगे तो फिर आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। अदरवाइज जो कर्म है और कर्मफल है उसके बंधन के कारण व्यक्ति जो है लगातार पुनर्जन्म लेता है। और फिर उसमें ऋण की अवधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति पे तीन प्रमुख ऋण है, ये ऋण है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, और ये हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध भी करता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चाहे वो शूद्र वर्ग के लोग हो, स्त्रियां हो, या वैश्य वर्ण के लोग हो, या ब्राह्मण क्षत्रिय हो, ये व्यवस्था भारत में निरंतरता में रही। तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसका संबंध धर्म से है, धर्म उसको रेगुलेट करता है, धर्म उसको नियंत्रित करता है। इसलिए धर्म को जब तक एक सामाजिक विधान के रूप में आप नहीं समझेंगे, आप धर्म को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वैदिक धर्म के अंतर्गत एक क्रमिक सतत विकास होता है। बाद के दिनों में यही धर्म विकसित होकर के हिंदू धर्म के रूप में
प्रस्फुटित होता है, जिसमें कई अन्य तत्व भी आते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप वैदिक धर्म को समझ सकते हैं।